खबर इंदौर से। इंदौर के राजेंद्र नगर पुलिस और क्राइम ब्रांच द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली नोट की सप्लाई करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 90,000 रुपये मूल्य के 5-5 सौ के नकली नोट बरामद किए। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि थाना राजेंद्र नगर के प्रतीक सेतु पर कुछ अज्ञात लोग नकली नोट की डिलीवरी करने वाले। मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए चार संदिग्ध अज्ञात व्यक्ति मिले, जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना नाम सिद्दीक मोहम्मद खरगोन, शाहरुख उर्फ शेरा, सिराज मंसूरी और दिलीप सिंह खरगोन निवासी बताया, जिनके पास से 5-5 सौ के 90,000 के नकली नोट मिले। आरोपियों ने पूछताछ में इंदौर के ही अन्य व्यक्तियों से नकली नोट छपवाकर सप्लाई करना स्वीकारा। आरोपियों द्वारा अन्य लोग जिनके द्वारा नकली नोट छापे गए हैं और जिन्हें नकली नोट अभी तक कहां सप्लाई किए, जिसके बारे में पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही। नकली नोट की एक कार्रवाई की गई है। इसमें चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए लगातार कई हेड्स पर काम किया जा रहा है। इसमें थाना प्रभारी राजनगर और क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि राजनगर थाना क्षेत्र में कोई नकली नोट की सप्लाई होने वाली है। इसमें कैरियर भी हो सकता है और सप्लायर भी हो सकता है इसमें, और ख़रीदने वाले भी हो सकते हैं। तो इस पर से एक टीम क्राइम ब्रांच की और एक टीम राजनगर की लगाई गई, और लगाने के बाद चार आरोपियों की हिरासत में लिया गया। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा नकली नोट की सप्लाई करना कबूल कर लिया, जिसमें दो कैरियर थे। कैरियर का नाम एक शाहरुख उर्फ शेरा और एक व्यक्ति का नाम था सिराज, और जबकि जो सप्लाई करने वाला जो मास्टरमाइंड था वो दिलीप था, वो खंडवा का रहने वाला है। बाकी अन्य तीन, दिलीप भी खरगोन का रहने वाला है, अन्य सिराज केवल खंडवा का है, बाकी तीनों खरगोन के ही हैं। उसके द्वारा ये बताया गया, सिराज इन चारों को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्जे से 180 नोट, 5-5 सौ के 180 नोट, लगभग 90,000 के नकली नोट इनसे प्राप्त हुए हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो सिरा के द्वारा ये बताया गया कि इसने ये नोट 20,000 रुपये देकर 1,00,000 रुपये के नोट खरीदे थे, और इसको अपने जो कि सट्टा खेलता था, सट्टे में वो पैसा हार गया था, तो उधारी चुकाने के लिए उसने ये नोट लिए। इसमें एक जो मोहम्मद सिद्दीकी को आरोपी बनाया गया है, वो सनावत में शिक्षक है, और उसके द्वारा भी इस बात को कबूल कर लिया गया है नोटों को सप्लाई में। इनमें 3-4 बार इनके द्वारा नोटों को सप्लाई किया गया है, जिसमें कि कुछ नाम आ गए हैं, धार के कुछ नाम आए हैं, उसमें लगातार काम चल रहा है। इसमें एक व्यक्ति इंदौर का भी आया है, उसका भी, उस पर भी क्राइम ब्रांच और थाना राजनगर के द्वारा काम किया जा रहा है। फिलहाल थाना राजनगर में IPC सेक्शन 489B के तहत केस रजिस्टर किया कर आरोपी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें एवं ट्रेल जो है कि इसमें किन किन को पहले सप्लाई किया गया था और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, उस सबको इन्वेस्टिगेशन ले लिया गया है, और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया, कई बार ये गड्डियों में ये नोट चला देते हैं, कई बच्चों की होली का भी ये त्यौहार आ रहा है, तो इस समय छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, छोटे छोटे जो मार्केट लगते हैं, उन मार्केटों में भी छोटे छोटे व्यापारियों को चलाने के काम में लाते हैं। फिलहाल इनके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, और उसके बाद माननीय न्यायालय के से पुलिस रिमांड लिया जाकर इनसे और पूछताछ की जाएगी इस ग्रुप के बारे में। छापने वाले का एक नाम सामने आ गया है, पुलिस, जैसा कि मैंने बताया, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका नाम का खुलासा भी नहीं किया जा सकता, और छापने वाले का नाम सामने आ गया है कि कहां पर ये नोट बनते थे। इसमें अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें लगी हुई है। इसमें दिलीप जो है, जो मेन सप्लायर है, जिसके द्वारा ये लिंक बताई गई थी, और दो जो कैरियर्स थे, शाहरुख और सुराज, इनको मोहम्मद सिद्दीकी लेकर आया दिलीप से मिलवाने के लिए। तो कुल मिलाकर ये चारों लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी इसमें और भी ट्रेल है और आगे भी इसमें काम किया जाना है। इसमें जो लोग भी सम्मिलित होंगे उनको आरोपी बनाया जाएगा। अभी बनाने वाले को गिरफ्तार नहीं किया है, मेन सप्लायर जो दिलीप, मैंने जैसा कि बताया, वो मेन सप्लायर है, दिलीप को गिरफ्तार किया गया है, और जो बनाने वाले हैं, नोट कहाँ बनते हैं, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सीक्रेट रखा गया है, आने वाले समय में उनका भी खुलासा किया जाएगा। इस बारे में अभी स्पष्ट बात कोई सामने नहीं आया, चूंकि ये पूर्व से लगभग 3-4 महीने से ये काम कर रहे हैं, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया है। अभी संबंध में पूछताछ की जा रही है। ये जैसा उनके द्वारा बताया गया है कि जो प्रिंटर होता है, जैसा कि जो दिलीप ने पूछताछ बताया कि प्रिंटर पर जो एक व्यक्ति का नाम बताया कि प्रिंटर के द्वारा उसमें जो एक अच्छे लेवल का एक कागज इस्तेमाल करते थे, ये अपने स्तर पर, ये कोई बाहर के नोट नहीं है, ये बड़वानी खरगोन कहीं वहाँ पर छपाई का काम चल रहा है। नहीं, उसमें केवल 180 नोट थे, जो 5-5 सौ के नोट थे, कुल मिलाकर 90,000 रुपये इनसे बरामद हुए हैं। पहले किन किन को दिए गए हैं, उनकी ट्रेल पर भी काम किया जा रहा है। खबर भारतवर्ष के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।